हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर बिजनेस स्टडी क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 यूनिट 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव? फर्स्टली वी नो द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स दैट वी वांट टू अचीव। दीज आर द गोल्स और एम टुवर्ड विच आवर एक्टिविटीज आर कंडक्टेड। एम्स और गोल, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? वो एंड पॉइंट्स, हमारा वो एम, हमारा वो गोल जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए हम अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। जब भी हम कुछ वर्क करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ रीजन होता है, हमारा कुछ एम होता है। उसी एम को, उसी गोल को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही मैनेजमेंट भी कुछ एक्टिविटीज करती है, उन एक्टिविटीज के पीछे मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसी को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उद्देश्य है मैनेजमेंट का, उसके वर्क के पीछे किस रीजन के लिए मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश किया जाता है। देयर ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड, और हम इसको और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्टली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स वो ऑब्जेक्टिव जिसका एम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? जब हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे। कौन से रिसोर्सेस? टू तरह के रिसोर्सेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, एक फिजिकल रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्सेज। इन दोनों रिसोर्सेज का हमें बेटर यूटिलाइजेशन करना है, अच्छे से यूज करना है, ताकि हमारा रिजल्ट क्या है, बेटर आए। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मीन्स इट रेफर्स टू यूटिलाइजिंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टीज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो से भी पार्टीज जुड़ी हैं उनको बेनिफिट हो। ठीक है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन करें। अगर हम उनका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी पार्टीज जुड़ी हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, उनका बेनिफिट होगा, उनके लिए अच्छा होगा। इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को आगे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो क्या है, हमारे सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दैट इज सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन जीना। जीने का मतलब है यहां ऑर्गेनाइजेशन का जीना, ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट का होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कराना। मार्केट में लॉन्ग टाइम तक हमें अपने मार्केट को, सॉरी, अपनी कंपनी को क्या करवाना है, सरवाइव कराना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कराना है। मैनेजमेंट शुड टेक सच अ डिसीजन इन बिजनेस विच इंश्योर दैट द बिजनेस सरवाइव फॉर लॉन्ग टाइम। तो मैनेजमेंट को ऐसे डिसीजन लेने हैं, ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक मार्केट में बनी रहे, उसका सर्वाइवल हो सके, हमारी बिजनेस बंद नहीं हो, उसके कस्टमर, उसके साथ जो भी पार्टीज रिलेटेड हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टीज जुड़ी हैं, इंप्लॉइज जुड़े हैं, कस्टमर जुड़े हैं, क्रेडिटर्स जुड़े हैं, सब उसे सेटिस्फाइड रहे, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके। फिर सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। मियर सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर द मैनेजमेंट। मियर सर्वाइवल इज नॉट इनफ, मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स प्रॉफिट, एज प्रॉफिट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फेसिंग द बिजनेस हजार्ड्स एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देखिए, खाली सर्वाइवल से कुछ नहीं बनता। हमें, जब मेरा बिजनेस सरवाइव करने लगे, मुझे लगे कि मार्केट में मेरे बिजनेस की पोजीशन बन गई है, अब मार्केट में लोग मुझे जानने लगे हैं, हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को जानने लगे हैं, तो हमें प्रॉफिट के बारे में सोचना है उसके बाद। सिर्फ सर्वाइवल से कुछ नहीं होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे हम बाद में, लॉन्ग टाइम में हम फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो और
हमारा बिजनेस जो भी हजार्ड्स आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए फ्यूचर में, उन फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को बिजनेस फेस कर पाए, किसके थ्रू? प्रॉफिट के थ्रू, क्योंकि प्रॉफिट हमें सफिशिएंट कैपिटल प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमें फाइनेंस प्रोवाइड करता है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए हमें पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रॉफिट के थ्रू हम अपनी वेरियस पार्टीज को सेटिस्फाई रख सकते हैं, एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई रख सकते हैं, क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई रख सकते हैं। आपने रोल ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ा है प्लस वन क्लास में कि कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है जो मैनेजमेंट का, वो है प्रॉफिट मेकिंग। आफ्टर दैट ग्रोथ, थर्ड क्या है? ग्रोथ। दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ इंक्रीज सेल, प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ इंप्लॉइज एटसेट्रा। जब हमें प्रॉफिट होने लगा, हम प्रॉफिट अर्न करने लगे, तो उसके बाद बिजनेसमैन अपने जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचेगी। अब उसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करूंगी, मैं नहीं चाहूंगी कि मैं अपनी एक ब्रांच और खोल दूं, दो ब्रांचे खोल दूं, तीन ब्रांच खोल दूं या और इम्प्लॉइज लगाऊं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं कब सोचूंगी ग्रोथ के बारे में? जब मुझे प्रॉफिट होगा। तो जब मेरा सेकेंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए प्रॉफिट का, तो फिर मुझे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सोचना है ग्रोथ। अब मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है, उसको एक्सपेंड करना है, मैनेजमेंट को ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है कि उसका बिजनेस ग्रो करे, ठीक है। जैसे इंक्रीज करे सेल, सेल को इंक्रीज करने की एक्टिविटीज कंडक्ट करे, एडवर्टाइजमेंट दे, सेल्स प्रमोशन टेक्निक लाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर दे मैनेजमेंट, तब भी सेल बढ़ेगी, ठीक है। हमें अपने प्रोडक्ट्स को भी इंक्रीज करना है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आने हैं ताकि कुछ डिफरेंट हो, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। अब प्रोडक्ट को बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो एम्प्लॉइज भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर ये सब चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, इट मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है, एक्सपेंड कर रही है। तो ये था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का, जो उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को तो अचीव करना ही करना है, जिसके लिए उसको एस्टैब्लिश किया गया था। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अलावा भी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जो क्या कहला रहे हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले लोग ही, सोसाइटी ही उसको प्रॉफिट देती है, सोसाइटी ही उसकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो सोसाइटी को सेटिस्फाई रखे, ठीक है। इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज। जब वो अपने मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो उसको सोसाइटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रखना है। जैसे टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, जो भी हमारी यूथ जनरेशन है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, अपनी एक्टिविटीज को ऐसे कंडक्ट करें कि लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले हमारे बिजनेस में। टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करनी जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो, हमें अपने इन्वायरमेंट को भी पोल्यूशन फ्री रखना है। टू प्रोवाइडिंग गुड एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, ठीक है, फेयर प्राइस पे देना। और इसके अलावा आप चैरिटी में चैरिटी दे सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, ठीक है, पुअर पीपल के एजुकेशन के लिए लाइब्रेरीज ओपन कर सकते हो, डिस्पेंसरीज में चैरिटी दे सकते हो। तो इस तरह से आपको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे पर्सनल का मतलब है इम्प्लॉइज, जो हमारे इम्प्लॉइज वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, क्योंकि आपके इम्प्लॉइज के कारण से ही आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो। अगर वो अच्छा वर्क कर रहे हैं तो ही आप अच्छा वर्क कर पा रहे हो। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव
which are related to the employees of organization. Management ensure or try to satisfy the different needs of employees. Employees की जो different needs हैं, management को उनको identify करना है उन needs को, employees की जरूरतों को पहचानना है और उसको satisfy करना है. ठीक है, different तरह की needs होती हैं. एक employee की needs को 3 parts में divide किया गया है. First है financial need. Providing adequate salary and perks. सबसे पहले आप अपने employees के financial need पूरा करो, जिससे उसका standard of living maintain हो सके. उसको जो finance की requirement है, उसको adequate salary दो और perks दो. Perks mean in addition to salary. Salary से addition कुछ और भी देना, ठीक है? Medical facilities available करा देना. ऐसी facilities को हम perks कहेंगे. Then social need. Providing recognition from their peers. सोशल नीड मींस समाज में उसकी पहचान. आपको अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो उनकी प्रेस करना, ताकि लोग उनको जाने. एक एम्प्लॉय की ये भी बहुत जरूरत है. आप उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी कर रहे हो, लेकिन उसकी सोशल नीड पूरी नहीं कर रहे हो. वो कुछ अच्छा करता है, उसकी आप प्रेस नहीं करते, आप उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलते, लोग उसको पहचानते नहीं है, तो क्या होगा? आपका एम्प्लॉई डिससैटिस्फाई रहेगा. तो आपको अपने एम्प्लॉई की सोशल नीड को भी सेटिस्फाई करना है, कि अगर उसने कुछ अच्छा किया तो लोग जाने कि ये वर्क उसने किया है. आप उस काम को छुपाइए नहीं, ठीक है, सबके सामने लेके आइए. थर्ड इज हायर लेवल नीड. हायर लेवल, जैसे इसका नेम ही है, हाई नीड्स, हाई लेवल की नीड को पूरा करना. दीज एम्प्लॉई नीड्स आर गेट sufficient opportunity for the personal development. आप employees की personal development के बारे में सोचिए. Employees ने जब आपकी company को join किया था 10 साल पहले, अगर आपका employee आज भी वहीं पे है तो वो dissatisfied रहेगा, उसकी मन अच्छा नहीं रहेगा, वो motivate नहीं होगा. तो आपने उसकी higher level need को पहचानना है, कि एक employee अपने career को आगे ले जाना चाहता है, वो develop करना चाहता है अपने आप को, ठीक है. आप उसको प्रमोट करिए, अगर वो कुछ अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको हायर पोस्ट पे प्रमोट करिए, ठीक है. तो ये हायर लेवल नीड है. तो आपको ये भी आपकी एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, कि आप अपनी एम्प्लॉइज की नीड को पहचानिए और फिर उसको पूरा कीजिए. कौन से एम्प्लॉय की क्या नीड है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जरूरतों को पहचान के उसको सेटिस्फाई रखो, ठीक है, ताकि वो मोटिवेट और अच्छे से वर्क करे. अगर मैनेजमेंट इस तरह से वर्क करेगी तो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा. तो एक मैनेजमेंट को तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए करना है और अपनी एक्टिविटीज को वैसे ही कंडक्ट करना है, ताकि हमारी जो पार्टीज हैं हमसे सेटिस्फाई रहें और हम सक्सेसफुली अपने बिजनेस को रन कर सकें. आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. Thank you very much. Goodbye and take care.